मैं जा रही हूँ पानी पूरी बनाने, जो बिल्कुल करारी और खस्ती इतनी होती है कि मैं क्या बताऊँ। इस तरह की कितनी देखिए गुब्बारे की तरह फूली हुई है। मैंने दो तरह की पानी भी बनाई है जो आप लोग देख सकते हैं। इतना टेस्टी और ये फीलिंग है जो आप लोग इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ इसकी रेसिपी। चलिए हम लोग आटा गूंथ लेते हैं। इसके लिए बड़ा सा परात ले, इसमें 4 से 5 चम्मच के लगभग रवा डाले। वे हलवे वाली जो रवा आती है वो ही डाले। हल्का सा आप चाहे तो इसे ग्राइंडर जार में मिक्स करके फाइन पाउडर की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आटा भी लिया है, जिसे आप 4 से 5 चम्मच के लगभग आटा भी ऐड कर ले। और मैदा को भी मैंने इसी मात्रा से ऐड किया है जो आप लोग देख सकते हैं। सब तीनों आटे को अच्छे से आप मिक्स कर ले इस तरह से, जैसे मैंने स्पून की सहायता से मिक्स किया। आप हाथ का भी यूज कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। गर्म पानी बिल्कुल ले और भाप निकलता हुआ पानी ले। इसे चम्मच की सहायता से आप मिक्स करें, हल्का हल्का पानी डाल करके, जिससे ये टाइट आटा गूंथे, हल्का सा ठंडा हो जाए। उसके बाद में आप हाथों की सहायता से, हाथ का हेल्प ले करके भी आप इसे गूंथ सकते हैं। ज़्यादा गीला ना करें, टाइट। हम देख रहे हैं कितना टाइट आटा है। इसी तरह का आप भी रखें इसे और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे डाल दें, करीब 30 से 40 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे आप थोड़े से मिक्स कर ले इस तरह से, हाथों की सहायता से दबा दबा करके हल्का सा गुठलियाँ रहने दें, जिससे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आएगा, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को मिक्स कर लिया। इसमें कुछ मसाले ऐड करें, जैसे मैंने यहाँ पे काला नमक, सफ़ेद नमक चुटकी भर के लगभग मैंने लिया है, दोनों मिला करके 1 चम्मच के लगभग है। यहाँ पे चाट मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड करें, जिससे इसका टेस्ट और भी चौगुना बढ़ जाए। आप ओनियन खाते हो तो ओनियन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग चटनी भी बना लेते हैं। पानी पूरी की पानी तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने धनिया की कुछ पत्तियाँ लिए हैं, जिसे अच्छे से मैंने कट करके धुल लिया है। अदरक 1/2 इंच के लगभग लिए हैं। खूब सारी मिर्ची आप ऐड करें इसमें, क्योंकि तीखापन बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है। और पुदीने की 2-4 पत्तियाँ मैंने इसमें ऐड की है। सबको डाल करके अच्छे से इसे ग्राइंडर जार से मिक्स कर ले और इसे पीस ले। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चटनी पीस लिया है। इसे इसकी चटनी को आप जो अच्छे से इसे कटोरी में डाल करके इसमें 2 गिलास के लगभग पानी डालें और इसे हल्का सा इसे छान लें, पतला सा फाइन बना करके इसे छान लें छन्नी की सहायता से। यहाँ देखिए मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है, जो आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप भी पतला देख सकते हैं। फाइन पानी निकालने के लिए आप छन्नी की हेल्प ले सकते हैं। उसका जो गाढ़ापन जो निकले उसे आप फेंके बिल्कुल नहीं, उसे आलू में आप मिक्स करते हैं, जिससे फीलिंग और भी टेस्टी और यम्मी बन जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे पानी बिल्कुल फाइन निकल चुका है। आप इसमें आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करें, जलजीरा पाउडर ऐड करें, आप इसमें जीरा पाउडर, काला नमक स्वाद अनुसार, लाल और सफ़ेद नमक सब डाल करके अच्छे से इसे मिक्स करें। और तीखापन आप चाहें तो बूंदी भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे और भी इसका टेस्ट चौगुना बढ़ जाएगा। चाट मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे तीखा पानी और भी टेस्टी और यम्मी हो जाएगा। इतनी देखते हैं इतनी मुँह में पानी आ रही है कि ये सच में कितना ये टेस्टी और यम्मी होगा। नींबू का रस डाल दीजिए, जिससे खट्टापन भी आ जाए। और इस तरह से आप, तो चलिए हम लोग इमली की भी पानी बना लेते हैं। यहाँ इमली का प्यूरे मैंने लिया है, जिसे मैंने रात भर डाल दिया था फूलने के लिए, और उसके प्यूरे निकाल लिए हैं। यह लगभग 1 कटोरी के लगभग है। इसी तरह से आप इसमें चाट मसाला, जलजीरा पाउडर डाल करके आप, और कुछ मसाले, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर सब डाल करके अच्छे से मीठा पानी तैयार कर ले। इधर देख सकते हैं 2-40 मिनट के लगभग हो गए हुए हैं आटे को। अब आप दोबारा से फिर से इसे अच्छे से हाथों को और हथेलियों की सहायता से काउंटर पर डाल करके, किचन काउंटर पे आप इसे अच्छे से मिक्स करें, बिल्कुल इसे तरह से मिक्स करें। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इस तरह से आप पहले देखे थे टूट रहा था, अब कितने अच्छे से इसमें जालीदार बन रहा है। इसका मतलब है आटा बिल्कुल परफेक्ट हो गूँथ चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। इसी तरह से आप इसे गूँथ ले, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है उसी तरह वही प्रोसेस आप भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल टेस्टी और यम्मी, इतनी करारी होगी कि बिल्कुल आपको ठेले वाले स्टाइल में मैं बता रही हूँ, इसी तरह से आप भी बनाएं। तो चलिए इसकी लोइयाँ हम लोग कट कर लेते हैं। नाइफ की सहायता से 3 या 4 लोइयाँ आप कट कर ले, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कट किया है उसी तरह से कट कर ले, और इसे गीला कपड़ा से ढक करके रखें, जिससे लोइयाँ टाइट
ना हो। और इधर मैंने गीला कपड़ा करके फैला लिया है जिस पे आप पूरियाँ बेल बेल करके आप रख सकते हैं। इस तरह से इतना ही पतला होना चाहिए, ज़्यादा मोटा और ना ही अधिक ठीक होना चाहिए। जो आप देख सकते हैं इसे एक बड़ा सा रोटी बना ले और उसे छोटे से ग्लास की सहायता से या कटर की सहायता से राउंड राउंड एक ही साइज़ के शेप में आप निकाल सकते हैं। कई पूड़ियाँ इस तरह से निकाल करके सारे पूड़ियों को आप बेल ले। आप चाहे तो इसमें रवा का भी हल्का सा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस तरह से आप भी देख सकते हैं कितना ना मैंने इसमें रिफाइंड डाला है, ना इसमें मैंने सोडा इस्तेमाल किया, और इतनी टेस्टी और यम्मी बनेगा, मुझे तो बनाते ही मुँह में पानी आ रहा है। आप लोग भी ज़रूर बनाए, रुका नहीं जा रहा है इस तरह से। तो चलिए इधर मैंने तेल गर्म कर लिया है और देखिए कितने गेंद की तरह ये खिलेंगे और फूलेंगे कि मैं क्या बताऊँ। इसी तरह से दबाते हुए आप ही इसे एक बार में अधिक न डालें, एक ऊपर से गर्म तेल डालते जाए जिससे इतनी करारी होगी कि मैं क्या बताऊँ। इस तरह से आप लोग भी ज़रूरी से बनाइए, एक बार में अधिक न डालें, एक फूल जाए तो दूसरा डालें। फ्लेम को बिल्कुल तेज रखें और इस तरह से आप ही सारी पूड़ियाँ को तल लें अच्छे से और इसी तरह से सारे पूड़ियों को तल करके प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इधर आप देख सकते हैं मैंने ओनियन भी डाल दिए हैं आलू में। इस तरह से आप मिक्स करके और पूड़े को सर्व करें। इस तरह से देख सकते हैं कितना टेस्टी और यम्मी बना है। मैंने बूंदी भी डाल दिए हैं इसमें। इस तरह से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें इस तरह की पानी पूरी को। और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।